नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन झमियार। साल 2022-23 का बजट पेश हो चुका है। सरकार बजट की खूबियां गिनाते नहीं थक रही है, तो विपक्ष को बजट में खामियां ही खामियां नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की आपदा के बीच पेश किए गए बजट को विकास का नया विश्वास लेकर आने वाला बजट बताया है, तो राहुल गांधी ने सरकार के बजट को हर वर्ग के लिए निराशा वाला करार दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बजट पर वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। असल सवाल है, जनता को मोदी सरकार का बजट कितना भाया? आम लोग बजट पर क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर जनता की बजट की जो बात कही जा रही है, क्या जनता के लिए वो बजट है? आज पेश हुए बजट में किसके लिए क्या रहा, इस पर अपने मेहमानों से बात करेंगे। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं बजट की जो बड़ी बातें हैं वो कौन कौन सी हैं, फिर बयानों का जो दौर देखने को मिला है बजट पेश होने के बाद, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किसने क्या कुछ कहा है। तो बजट की बड़ी बातें क्या है? क्रिप्टो करेंसी से इनकम पर 30% का आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर क्रिप्टो करेंसी में आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो। कॉर्पोरेट टैक्स 18% से घटा करके 15% कर दिया गया है। इसके आगे क्या है खास, आइए मैं आपको बता रहे हैं। एनपीएस में अब 14% तक योगदान कर सकेंगे, ये बड़ी बातें हैं। 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ पर कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, ये बड़ी राहत कॉर्पोरेट के लिए। 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी, ये तय किया है सरकार ने। 1 साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेगा, जिसके लिए भारी भरकम बजट की व्यवस्था भी सरकार ने की, 20,000 करोड़ बजट की व्यवस्था की गई है। केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा सरकार देगी, तो किसानों को क्या मिला है ये भी हम आपको दिखाते हैं। एक एक करके किसानों के बारे में जो बातें कही गई, किसानों के लिए जो योजनाएं बनाई गई उसके बारे में आपको बताते हैं। एमएसपी पर ज्यादा खरीद करने की बात कही गई है सरकार की तरफ से। एमएसपी के लिए 2,07,000 करोड़ रुपए इस बार खर्च किए गए, और ये संख्या जो आंकड़ा आगे बढ़ जाएगा 2.37 लाख करोड़ रुपए का जो अनाज है एमएसपी पर वो सरकार खरीदेगी, ये तय किया गया है। ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर रहेगा, सरकार ने कहा कि ऑर्गेनिक खेती पर हम जोर देंगे, किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे। किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी, ये कहा गया है। जमीनों के रिकॉर्ड भी डिजिटली अब रखे जाएंगे। सिंचाई पेयजल सुविधाएं बढ़ाने पर भी सरकार जोर देगी, तो किसानों के लिए ये सब व्यवस्था ठीक है। रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने की बात कही गई है। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर चौड़ा जो गलियारा है वहां पर प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी को लेकर के क्या फैसला लिया गया यह भी हम आपको बताते हैं। सरकार ने डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है, भारत की अपनी डिजिटल करेंसी होगी, ये अलग अलग मसला है। क्रिप्टो करेंसी पर भारी भरकम टैक्स सरकार ने लगा दिया है, 30% तक क्रिप्टो करेंसी पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की आरबीआई की तैयारी पूरी हो गई है, इसके बारे में जानकारी वित्त मंत्री ने दी है। बिटकॉइन की तर्ज पर होगा डिजिटल रुपया, भारत का यह डिजिटल रुपया होगा, जिसकी तैयारी आरबीआई की तरफ से की गई है, यह वित्त मंत्री ने जानकारी दी। तो वित्त मंत्री ने बजट भाषण करीब 1.5 घंटे का ही रखा, इस बार बहुत छोटा बजट भाषण रहा। आपको याद होगा कि 2020 में जो बजट भाषण था वो करीब करीब 2.5 घंटे का था, लेकिन आज जो बजट भाषण है वो छोटा रहा, करीब 1.5 घंटे का ही बजट भाषण रहा। और बजट भाषण में उन्होंने तमाम बातें बहुत जल्दी जल्दी देश के सामने रख दी, वही खाते की जो खासियत है वो उन्होंने रख दी। तो बजट को लेकर के जो जानकारी अभी तक है वो ये है कि 39.45 लाख करोड़ का ये बजट सरकार ने पेश किया है, तो करीब करीब 40 लाख करोड़ का ये बजट है। कोरोना काल में इतना बड़ा बजट पेश करना ही सरकार बता रही है कि अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है कि ऐसे में करीब करीब 40 लाख करोड़ का जो ये बजट पेश किया गया है अपने आप में ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके इतर वित्त मंत्री ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल उनसे पूछा गया कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न का जो स्लैब है उसमें कोई बदलाव क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि गनीमत मानिए कि इसमें कोई इजाफा नहीं किया गया, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, हमने नहीं छेड़ा है।
तो तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। अनुज अत्रे हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं। अत्रे साहब, पहले तो बता दीजिए कि बजट कैसा लगा? हालांकि आप लोग कहेंगे कि इस बजट में कुछ भी खास नहीं आम लोगों के लिए, लेकिन मैं जानना चाहूंगा क्या होना चाहिए था, साथ में ये बताते चलिएगा। देखिए कुंदन जी, सबको मालूम है कि 2 साल से देश में कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल में लगातार लॉकडाउन भी बहुत लंबे समय तक रहा और लॉकडाउन खुलने के बाद भी स्थिति ऐसी रही कि लोगों के पास कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। लेकिन जनता उम्मीद कर रही थी कि इस कोरोना पेंडेमिक के समय में सरकार से टैक्स की राहत की उम्मीद कर रही थी। जो देश का व्यापारी वर्ग है वो ये उम्मीद कर रहा था कि GST कलेक्शन जो है रिकॉर्ड ऊंचाई पर सरकार के पास कलेक्शन हुआ है, सरकार खुद अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमारे पास टैक्स की कलेक्शन बहुत ज़्यादा आई है। लेकिन जनता को इस समय टैक्स की कलेक्शन से उनको राहत देने के लिए जनता उम्मीद कर रही थी कि जनता ऑलरेडी इस देश में टैक्स के बोझ के तले दबी पड़ी है, तो सरकार की जेब बोझ जो बहुत ज्यादा भरी हुई है सरकार उसको कहीं ना कहीं ढीली करती है और जनता को राहत देती, क्योंकि गरीब जनता, इस देश का मिडिल क्लास आदमी जो है लगातार जो है गरीबी से, भुखमरी से, महंगाई की मार के नीचे दबा हुआ है। सरकार को चाहिए था कि जो बेरोजगारी लगातार इस देश में बढ़ती जा रही है, आज सरकार ने 7 सालों में 14 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था, 2 करोड़ रोज के पर साल के हिसाब से, लेकिन वो तो कहीं दिखे नहीं। 12 करोड़ रोजगार, 12 करोड़ नौकरियां इस देश के युवाओं की खत्म हो गई, जो बेरोजगार हो गए, तो सरकार ने उनके विषय में कुछ नहीं सोचा। किसान को, जो किसान की जो सरकार बार बार चिंता करती थी, 7 साल पहले वायदा किया गया था कि 2022 में किसान की आय जो है दुगनी हो जाएगी। आज 2022 का बजट आया है, क्या भारतीय जनता पार्टी, इनकी सरकार कह सकती है कि इन्होंने किसान की आय दुगनी कर दी है? दुगनी छोड़िए साहब, उसको लागत भी नहीं आज भी दे पा रहे हैं ये, तो सरकार को नहीं बताना चाहिए? आज भी ये जो बजट पेश किया है इन्होंने, 25 साल बाद का बजट पेश किया है, 25 साल बाद का सपना आज दिखा रहे, लोगों की जरूरत आज है। जो वायदे इन्होंने 7 साल पहले किए थे 25 साल के, वही वायदे आज कर रहे हैं। जो वायदे 7 साल पहले इन्होंने कहा था 2022 में हम जो इस देश में हर गरीब के पास अपना आवास होगा, क्या सरकार ये दावा कर सकती है? सरकार को आज रिपोर्ट देनी चाहिए थी बजट में कि हमने सबको आवास दे दिए। अपने वादों से तो ये सरकार पूरी तरह से विफल है, लेकिन आज भी जो ये बजट दिया है ये सपनों का भारत दिखाने का प्रयास बीते 7 वर्षों से कर रहे हैं और आज 25 साल बाद का भारत दिखा रहे हैं। हमें उस सरकार की ऐसी जरूरत नहीं है। ठीक है, गरीब जनता सरकार के पास 24 लाख करोड़ रुपए की अकेले पेट्रोल और डीजल से टैक्स जो है कलेक्शन हुई है। कौशिक साहब, मुझे एक चीज बता दीजिए, अनुज अत्रे साहब कह रहे हैं कि ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन सरकार ने यही व्यवस्था अगर कर दी गई होती, टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया होता और भी जो जिन चीजों को ऐड करने की बात अनुज अत्रे साहब कर रहे हैं वो होता अगर इस बजट में, मैं मान लेता हूं, तो ये अनुसार और विपक्ष कहता कि भाई आपने 5 राज्यों के चुनावी माहौल को भांपते हुए आपने बजट तैयार किया और लोगों के सामने पेश किया। निश्चित तौर पे यदि सरकार इस बात का भी ख्याल रखी होती कि 5 राज्यों के चुनाव को भी ध्यान में रखकर यदि बजट बनाई होती तो कम से कम किसानों को इसका लाभ मिलना होता। हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि गर्व के साथ हमने आज सुनने को मिला की एमएसएमई क्षेत्र के लिए 2,37,000 रुपए आवंटन किए गए हैं। साहब पिछली बार कितना था? 2,48,000 था ना, कम क्यों कर दिए गए? इसके बारे में सरकार को जवाब देगी क्या? इससे पहले फर्टिलाइजर के लिए जो एलोकेशन था 1,07,000 करोड़ था, इस बार एक लाख सात हजार करोड़ था, पिछली बार 1,40,000 करोड़ के आसपास था, ये कम क्यों कर दिया गया? देखिए, सपना दिखाना और सपनों को दिखाते हुए उसको आगे ले जाने के लिए आप कुछ भी कह दें, लोग मान लेंगे आपकी बात। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चलिए टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, कम से कम आप बताने की बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि लोगों को मिले, इसके बारे में सरकार क्या सोच रही है? सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए था। सरकार बार बार ये कहती चली आई और लगातार पिछले 5-7 वर्षों से जो सुनने को मिला कि नहीं, हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे 2022 में। 2022 में यदि वित्त मंत्री से पूछा जाता है, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात पूछी जाती है तो वो बगले झांकने लगती है और प्रधानमंत्री कार्यालय के और सलाहकार की तरफ देखकर तो बोलते हैं ये जवाब देंगे, वो जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं इस मामले में। तो सवाल यह है कि आपने जो लगातार 5 सालों तक जिस चीज का ढिंढोरा पीटा उसके बारे में आप जो सब नहीं बोल रहे हैं। किसानों की बात आप कर रहे हैं कि किसानों की स्थिति
हम सबसे ज्यादा बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और किसानों की स्थिति यह है कि किसान हाथुआ मचा रहे हैं। किसानों के लिए कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं आपने बेहतर कर दी? आप चाहते हैं कि 2000 रुपये दे करके और साल में 12000 रुपये यदि आप दे देते हैं तो बहुत बड़ा कल्याण कर देते हैं, 6000 देते हैं बहुत बड़ा कल्याण कर देते हैं, 6000 देते हैं 12000, 6000 देते हैं बहुत बड़ा कल्याण करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि डीजल और पेट्रोल पर आपने जितनी लागत को बढ़ा दी है किसी किसान का 15000 से ज्यादा खर्च हो जाता है उसमें, तो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। सवाल यह है कि सरकार की जो नीतियां हैं उससे सरकार की जेबें भर रही हैं ये तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन आम जनता लुटता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके लिए कोई रहम की बात नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे लगा है आम जनता बैठी जेब ठीक है मनीष जी, सरकार की जेब भरी हुई है ये तो तय है। इकोनॉमिक सर्वे आया तो उसमें बताया गया कि सरकार का जो बटुआ है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है, लेकिन उस बटुए को निकाल करके आम लोगों तक कुछ ट्रांसफर करने की कोशिश की गई है क्या? आप इस बात को समझिए, अगर सरकार का बटुआ भरा है तो अच्छी बात है, सरकार की स्थिति खराब नहीं है। अगर सरकार का बटुआ खाली होता तो ये राजनीतिक लोग चिल्लाते, अरे भाई सरकार का बटुआ खाली है, सोना गिरवी रखना पड़ेगा, देश लूटने वाला है, बैंकरप्ट होने वाला है, बर्बाद होने वाला है। हमेशा गृह स्वामी का बटुआ भरा रहना ही चाहिए। ये तो भला हो कुछ लोगों का जिन्होंने इस तरह की अप्रोच रखी है अपने डिसीजन मेकिंग में कि हम लुटाने पर नहीं आएंगे, वरना इस देश को 70 सालों में इतना लुटाया गया है कि जहां आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करके उनके रोजगार के साधन बताते आपने फ्री बांट के विदेशियों को अपने घर में नहीं, मनीष जी ये भी तो हमें देखना पड़ेगा कि कोरोना काल में 84% लोगों की आमदनी घट गई, उन्हें मदद की जरूरत है, जॉबलेस लोगों की संख्या बढ़ गई, उन्हें मदद की जरूरत है। तो आपका बटुआ भरा हुआ है, गृह स्वामी का बटुआ भरा हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन जिनका बटुआ पूरी तरीके से खाली है, आपने उस बटुए में अगर 2 रुपए भी नहीं डाला, आपने कुछ पैसा नहीं डाला, तो अनुज आत्रे साहब हैं, कौशिक साहब हैं, ऐसे लोग तो सवाल सरकार से पूछेंगे ही ना। हाँ, सवाल पूछना जायज है उनका, लेकिन बटुआ वास्तव में भरा कहाँ है? आप कुंदन जी मुझे एक बात बताइए, हमारे पूरे बजट में लाखों करोड़ का बजट है, कितने परसेंट पैसा जो है हम इंटरेस्ट में और प्रिंसिपल के रिपेमेंट में खर्च कर रहे हैं? हमारे देश की कुल इनकम का, कैश इनफ्लो का लगभग 35-40% पैसा इंटरेस्ट को चुकाने में चला जाता है। आप बताइए हमारे पास पैसा है कहाँ है? पूरे बजट का 5% पैसा हमें सिर्फ पेंशन में देता है, यानी जो सर्विसेज खत्म हो गई जिनका प्रोविजन में उन सालों में कर लेना चाहिए एक्रुअल के बेसिस पे, हमने नहीं किया, और आज हमें उसका भी पैसा चुकाना पड़ेगा और अगले 10-20 सालों तक और चुकाना पड़ेगा। हमारे देश के लिए हमने 20 सालों की इनकम पे भी हमने चार्ज लगा रखा है, आप समझिए, है ना। आप सब्सिडी आपकी लगभग 10% है, आप अपनी इनकम को लुटाए चले जा रहे हैं, आप बिजनेस करने के नाम पे लॉस कर रहे हैं, जनता को हेल्प करने के नाम पे। अरे आपने दरअसल इस देश की जनता को पिछले 30-40-50 सालों में कमजोर बना दिया, उसे मजबूत निर्णय लेने लायक बनाया ही नहीं, उसे इस हालत में बनाया ही नहीं कि 5% जनता भी इनकम टैक्स दे पाए। आप बताइए इस देश में 6.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं और मात्र 2 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो 10,000 से ऊपर टैक्स देते होंगे या उससे भी कम। तो आप समझिए हमने अपने देश की जनता को 70 साल में भी इतना कमजोर क्यों बना के रखा, क्योंकि हमने समाजवादी नीतियां अपनाई, वेलफेयर स्टेट के नाम पर हमने लोगों को कमजोर बनाए रखा, उनके रोजगार का इंतजाम नहीं किया, उन्हें नौकरी के लिए तरसाए रखा। अब ये स्थिति बदल रही है, इस कोरोना काल में तो मदद कर सकते हैं। ठीक है अनुज यात्रे साहब, हिंदुस्तान नहीं, मनीष जी मैं आता हूँ दरअसल विपक्ष क्या चाहता है उसको भी हम एड्रेस करते चले, फिर बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। अनुज यात्रे साहब, दरअसल करीब 6 करोड़ लोग टैक्स पे नहीं करते हैं, रिटर्न भरते हैं, उसमें से करीब करीब 1 करोड़ लोग ही टैक्स भरते हैं, तो सरकार की प्रायोरिटी में वो जो सैलरी क्लास है, जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाला है, वो प्रायोरिटी में नहीं है। सरकार की प्रायोरिटी में 80 लाख उन गरीबों के बारे में प्रायोरिटी है जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास मकान है, उन्हें हम घर मुहैया करवाएंगे, तो ये सब पैसे की जरूरत तो होगी ना। तो हमारे आपके जेब से जो पैसे निकलता रहा है पिछले 8 सालों में, उसमें एड ऑन सरकार नहीं करना चाहती, इसमें क्या बुराई है? गरीबों को जिनके घर पर छत नहीं है उनके छत की व्यवस्था करेगी सरकार?
देखिए कुंदन जी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की आज की सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आपने गरीबों को मकान के लिए बात की, हम भी चाहते हैं गरीब के सर पे छत हो। और ये भारतीय जनता पार्टी भी जब सरकार में नहीं थी तो उन्होंने वायदा किया था कि 2022 तक इस देश में कोई गरीब ऐसा नहीं होगा जिसके सर पे छत हो। आज ये बता दें, क्या 2022 आ गई है, सबके सर पे छत हो गई है? आज भी ये टारगेट लेकर के चल रहे हैं, नया जो टारगेट अपनी फेलियर खुद ही बताते हैं कि केवल 80 लाख लोगों के लिए हम मकान बनाने जा रहे हैं, अभी बनाने जा रहे हैं। 7 सालों में कितना दिया उसका कोई हिसाब नहीं है। जब इन्होंने वायदा किया था 7 साल बाद हम सबको दे देंगे, अपने वायदे से खुद फेल हो गए। अभी हमारे मित्र मनीष गुप्ता जी कह रहे थे कि इस देश को लुटाने का काम पिछली सरकारों ने किया है, देश में कर्ज बढ़ाने का काम पिछली सरकारों ने किया है। थोड़ा सा जानकारी अच्छे से देते, क्योंकि आप तो एक अर्थशास्त्री भी हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। इस देश में 2014 तक 70 सालों में $400 बिलियन का कर्ज था। मैं स्वीकार करता हूं कर्ज रहा, पिछली सरकारों ने कहीं ना कहीं विदेशों से कर्जा लिया क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर थी जब देश हमारा आजाद हुआ। लेकिन इतनी तेजी से कर्ज जो 2014 के बाद से और 2020 अभी 21 के आंकड़े नहीं आए, जो $400 बिलियन इन 70 सालों में हुआ, वो 6 सालों में जो है उसको $560 बिलियन कर दिया। 70 सालों में 400 बिलियन और 6 सालों में $160 बिलियन ये सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्ज लिया है। मनीष जी बता दे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप तो अर्थशास्त्री हैं, बता दीजिएगा। दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि ये सरकार के पास पैसा है, बहुत अच्छी बात है। अरे अगर पैसा है तो इनसे सरकार से पूछिए देश की धरोहर क्यों बेच रहे हैं और ऐसी धरोहर को बेच रहे हैं जो लाभ दे रही है। सरकार से सवाल पूछना यह चाहिए कि अगर आपको वो धरोहर जो PSUs हैं, जो नवरत्न कंपनियां हैं, अगर वो घाटे में चल रही हैं तो क्यों उद्योगपति इनके पूंजीपति मित्र उसको खरीद रहे हैं? कोई भी व्यापारी, कोई भी उद्योगपति घाटे की बिजनेस तो नहीं लेगा। और अगर वो लाभ दे रही है, रोजगार दे रही है, तो सरकार को बेचने की आवश्यकता क्या है? देश की जनता जानना चाहती है, उसका जवाब नहीं दिया जाता। आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं बेच करके, अपनी जेब भर रहे हैं क्योंकि आप कहते हैं पैसा नहीं है। 20,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्तार में पैसा खर्च करने की क्या आवश्यकता थी? क्या देश के वर्तमान में जो 70 सालों से पार्लियामेंट हाउस चल रहा है उसमें हमारा काम नहीं चल रहा था? क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए जो 7 रेस कोर्स रोड वाला जो बड़ी कोठी है, क्या उससे उनका काम नहीं चल रहा था? के लिए आवश्यकता थी इतना बड़ा अपना महल बनाने? आ रहा हूँ अनुसार, दोबारा मैं आऊंगा। मनीष जी, मनीष खर्ची करने के लिए पैसा है? मनीष जी, मुझे कहा जा रहा है छोटे से ब्रेक लेने के लिए इनके पास जो है कहते हैं पैसा। मनीष जी, अनु साहब, दोनों के पास आऊंगा, कौशिक साहब भी हमारे साथ बने हुए। फिलहाल उठने छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
तो इंडिया का भाई खाता अब आपके सामने आ चुका है, आपके हिस्से में क्या मिला है, नहीं मिला है, आपको उम्मीद है पता चल गया होगा, नहीं पता चला है तो अगले आधे घंटे तक हमारे साथ बने रहिए। दरअसल इंडिया के बही खाते में क्या खासियत है ये हम आपके सामने रख रहे हैं, रेलवे को क्या मिला ये भी हम आपको दिखा देते हैं। विमानों के ईंधन के दाम में अलग रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, ये अपने आप में चिंता की बात है। इससे विमान में सफर करने वाले लोगों के लिए जेब पर बोझ बढ़ जाएगा। 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया है। रेलवे बजट में क्या खास रहा ये हम आपको बता रहे हैं। एविएशन टर्बाइन फ्यूल दामों में हालांकि 8.5% की बढ़ोतरी, हालांकि रेलवे से इसका कोई लेना देना नहीं है। पोस्टल और रेलवे का नेटवर्क बेहतर बनाने की बात इस बजट में की गई है। तो रेल बजट की कुछ खास बातें आपको बता रही, ईंधन के दाम बढ़ने पर हवाई किराया बढ़ेगा, अगले 3 साल में अमल में लाया जाएगा। तो मनीष जी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष साहब एक चीज जानना चाहेंगे, जब सरकार के बारे में कहा जा रहा है कि सरकार कम से कम 2019 वाले स्थिति में पहुंच चुकी है, सरकारी जो सेहत है, आर्थिक सेहत जो है 2019 वाले स्थिति में पहुंच चुकी है, तो आप भी शायद उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि आम लोगों के लिए कुछ ऐसा मिलेगा इस चुनावी साल में जिससे लोगों को सीधे राहत पहुंचेगी, लेकिन वो राहत मिली या नहीं मिली? बिल्कुल ठीक आपने प्रश्न पूछा। दो बातें हैं, अगर उम्मीद की बात करेंगे तो यह बात सच है कि मुझे भी उम्मीद थी कि यह राहत मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार को निर्णय को देखते हैं, सरकार के जो जो फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच है उसको देखते हैं, तो हम ये समझ पाते हैं कि सरकार का माइंडसेट बड़ा क्लियर है। वो लोक लुभावन बजट नहीं देना चाहते, वो मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में थोड़ी सी छूट देकर अपनी पॉकेट में बड़ा होल नहीं करना चाहते। वो कहते हैं जो इनकम टैक्स चुका रहा है उसके पास एटलीस्ट 20-25-30-40 हजार महीने की इनकम आ रही है। आप समझिए 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स है नहीं, यानी अगर 40 हजार रुपए भी किसी की इनकम है तो उसे टैक्स नहीं देना। एक तरफ वो मध्यम वर्ग है जो 40-50 हजार महीने कमा रहा है, जिसको टैक्स में छूट मिलने से कुछ प्रसन्नता होगी, और एक तरफ वो किसान है जिसको 12 हजार रुपए प्रति मास की इनकम नहीं हो रही है। किसान जो कि देश की मिनिमम वेजेज, अनस्किल्ड व्यक्ति की मिनिमम वेजेज से भी कम है। ऐसे में कुंदन जी आपको हमें खुद को समझना पड़ेगा कि फोकस किधर होना चाहिए। नहीं तो मनीष जी किसानों को मिला क्या, कुछ मिला है क्या इस बजट में? हाँ अब बताता हूं, राजीव गांधी जी कहा करते थे कि हमारी सरकार में अगर 1 रुपए भेजो तो 15 पैसे मिलते हैं। बिल्कुल इसी बात को फोकस करते हुए सरकार ने क्या किया, MSP डायरेक्ट अकाउंट में जाएगी, यानी दलालों का रास्ता बंद, और ऐसे दलाल जो पार्टी की सेवा किए करते थे उन दलालों की सेवाएं बंद। कहने को तो ये बात अच्छी नहीं है, लेकिन दूरगामी परिणाम इसके जो वो बेहतर है, किसान को सीधे पैसा उसके अकाउंट में पहुंचेगा। बेईमानी और जो कट सिस्टम था वो कट मनी बंद हो गई। अब मैं बात करूंगा जो अनुज जी कह रहे थे कि संस्थानों को बेच रहे हैं, अरे भाई इस देश को जो वेलफेयर स्टेट है उसे व्यापार नहीं करना चाहिए, व्यापार करने से आप हानि लाभ करेंगे। दरअसल इस देश में इस तरह के संस्थान जिसमें देश के कीमती नहीं संसाधन को लगाकर कीमती संस्थानों को आप व्यापारियों के हाथ में दे देंगे तो वो तो व्यापार नहीं करेंगे, व्यापारियों ना? के तो एंड ऑफ द डे हमें तो व्यापारियों से ही डील करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं देखिए ऐसा है, एंड ऑफ द डे जब कोई कंपनी लिस्ट होगी शेयर मार्केट में उसमें शेयर कौन खरीदेगा? अनुदात्रे खरीदेंगे, कुंदन जमियार खरीदेंगे, मनीष गुप्ता खरीदेंगे, है ना? तो ये लोग खरीदेंगे तो ये उसके 1 शेयर के या 5 शेयर या 10 शेयर के मालिक हैं, और इनका प्रॉफिट हमारे हिस्से में ही आएगा। हम विदेशी कंपनी में जॉर्ज बुश को कंपनी बेचने नहीं जा रहे हैं। शेयर खरीदने वालों की संख्या भी अगर कैलकुलेट करेंगे, चूंकि हम टैक्स पेयर की संख्या कैलकुलेट करते हैं मनीष साहब, तो हम शेयर खरीदने वाले की संख्या कैलकुलेट करेंगे तो बहुत कम आएगा वो सामने निकल करके आंकड़ा। कौशिक साहब एक अपॉर्चुनिटी 100 करोड़ लोगों के पास नहीं, अपॉर्चुनिटी होना और उसे अवेल करना दोनों अलग चीज है ना। और वो मनीष जी अपॉर्चुनिटी होना और अवेल करना वो दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन अवेलेबल मार्केट प्राइस पे है ना। कौशिक साहब ये जो बजट है मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं भी सरप्राइज हूँ, 5 राज्यों के चुनाव से पहले आपके पास मौका था कि आप लोक लुभावन बजट पेश कर सकते थे, लेकिन इसके लिए तारीफ करेंगे क्या कि सरकार ने लोक लुभावन
फौरी तौर पर लोगों की जेब में कुछ राहत मिल जाए, सीधे लोगों को ये फील हो इस बजट में आपके लिए भी कुछ प्रावधान किया गया, उस रास्ते को अख्तियार नहीं किया, उस शॉर्टकट को सरकार ने नहीं चुना। बीजेपी पर आरोप लगते रहे हैं कि वो चुनाव के लिए सब कुछ करती है, चुनाव के लिए योजनाएं बनाती है, गढ़ती है, मढ़ती है और फिर उस पर आगे बढ़ती है। लेकिन इस बजट में क्या आप भी कहेंगे कि इसमें चुनावी फायदे के लिए तो कुछ नहीं किया गया, ये अपने आप में बड़ी बात है। देखिए कुंदन, चाहे चुनावी फायदे के लिए हो लेकिन कम से कम देश की जनता को राहत जरूर मिलती। दूसरी बात, ये जो प्राइवेट करने के लिए, निजीकरण करने के लिए जो दलील दे रहे थे उसको समझाने के लिए दूसरे तरीके से हम समझा देते हैं आपको। एक दुकान जो आप चलाते हैं, यदि वो दुकान आप चलाने में सक्षम नहीं होते हैं, लगातार घाटे में चले जाते हैं, तो आप उसे बेचना चाहते हैं, और दूसरा एक ग्राहक आता है जो आपसे वो दुकान खरीद लेता है और बेहतर तरीके से उसे चलाता ही नहीं, उससे मुनाफा भी निकालता है और दुकान को भी आबाद रखता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसे दुकान चलाना आता है, उसे बिजनेस करना आता है, उसे व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी आती है। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, आप लगाना है, तो निश्चित तौर पर आप बेचना चाहेंगे और उसको रद्दी के गर्त में डाल देंगे। तमाम तरह की बातें, ये दलीलें दी जा सकती है, लेकिन सच ये है कि यदि आप उसे सजा सकते थे, यदि आप उसे संवार सकते थे। ठीक है कौशिक साहब, मुझे बार-बार ब्रेक के लिए रुकना है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो सरकार दावा कर रही है कि बहुत खास ये बजट है, हर वर्ग को खुश करने वाला बजट है, और अगले 25 साल को ध्यान में रखते हुए ये बजट तैयार किया गया जिसके दूरगामी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। तो आइए, बजट की सबसे बड़ी बातें क्या हैं, अहम बातें क्या हैं, ये हम आपके सामने पहले रखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी। क्रिप्टो करेंसी से इनकम पर 30% टैक्स अब लगेगा, क्रिप्टो करेंसी से 30% टैक्स सरकार वसूलेगी। कॉरपोरेट टैक्स की अगर हम बात करें तो इसमें घटाया गया कॉरपोरेट टैक्स को 18% से घटा करके 15% करने का फैसला सरकार ने लिया है। एनपीएस में अब आप 14% तक निवेश कर सकेंगे, योगदान होगा। 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ पर कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, ये अपने आप में बड़ी बात है। कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है वित्त मंत्री ने। 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएगी। 1 साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाने की बड़ी योजना भी सरकार ने बनाई है और इस पर अमल किया जाएगा। इसके लिए भारी भरकम बजट की व्यवस्था भी की गई है, 20,000 करोड़ का बजट का इंतजाम किया है इसके लिए वित्त मंत्री ने। केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा देने की बात कही गई है, यानी कि केमिकल के बिना खेती करी जाएगी, ऑर्गेनिक खेती होगी, प्राकृतिक खेती करने की बात कही जा रही है। 60 लाख लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य भी सरकार ने रखा है। नौकरियों के मामले में सरकार निशाने पर रही है, उसका जवाब देती रही है सरकार अपने स्तर से, लेकिन इस बजट में भी 60 लाख नौकरियों पर जोर दिया गया है। 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता भी डेवलप करने की बात कही गई है। 400 नई वंदे भारत ट्रेनें भी चलेंगी। साल 2023 मोटा अनाज वर्ष भी घोषित किया गया है। 5 नदियों को आपस में जोड़ने की बात भी कही जा रही है, ये अपने आप में बड़ी बात है। 16 लाख युवाओं को अलग से भी नौकरी दी जाएगी अलग अलग सेक्टर्स में। तो बजट की अगर हम बात करें तो बजट को लेकर के बार बार ये चर्चा होती है कि बजट के बाद क्या चीजें जो है सस्ता हो रही हैं और कौन सी चीजें महंगा हो रही है। तो कौन सी चीज सस्ता हुई है, आइए हम आपको दिखाते हैं। सस्ता हुई है विदेशी मशीनें, कपड़ा भी सस्ता हो जाएगा अगले वित्तीय वर्ष में, चमड़ा सस्ता हो गया है, खेती के उपकरण जो है उन्हें भी सस्ता किया है सरकार ने ताकि खेती में आसानी हो, मोबाइल चार्जर जो है वो सस्ता हो जाएगा, जूते चप्पल जो है वो सस्ता होंगे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो सस्ता हो गई है, और पैकेजिंग के जो डिब्बे, कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो पैकेजिंग के साथ आती है वो चीजें, तो वो चीजें सस्ती हो गई हैं, पैकेजिंग का सामान सस्ता हो गया है। विदेशी छाता महंगा हो गया है, विदेशी छाता अगर आप खरीदते हैं तो ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे, कैपिटल गुड्स महंगा हो गया है। इसके अलावा बिना ब्लेंडिंग वाला फ्यूल जो है वो महंगा हो गया है, इमिटेशन ज्वेलरी है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये महंगाई हो गई है। तो क्या सस्ता है क्या महंगा है हमने आपके सामने रखा।
केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने बजट को लेकर हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर्वानंद सोनोवाल जी हैं। सर, जो ये बजट आया है, इस बजट में शिपिंग मिनिस्ट्री को और आयुष मिनिस्ट्री को अगर देखें, क्या कुछ खास मिला है? आपको मालूम है कि शिपिंग मिनिस्ट्री भी एक पिलर है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का। ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय योजना है, तो इस योजना में हमारा भी बहुत बड़ा भूमिका है। आपको मालूम है कि वी आर द लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टर इन द सी रूट, सो और वाटरवेज में हमारा बहुत काम है, तो इसलिए अगले दिनों में नदी और सागर को जोड़ के और बाकी जो भी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री है साथ में उनका सिनर्जी डेवलप करके देश को मोदी जी के नेतृत्व में एक आत्मनिर्भर देश बनानी है और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करनी है। धन्यवाद सर। कैमरामैन सी कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया। चलिए, इंडिया के वही खाते में किसानों के लिए क्या मिला है, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल किसानों को लेकर के ये कहा जाता रहा कि किसान नाराज हैं, लेकिन किसानों को क्या मिला ये हम आपको बताते हैं। एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी का लक्ष्य सरकार ने रखा है। बजट में किसानों के लिए क्या मिला हम आपको बता रहे हैं। एमएसपी के लिए 2,07,000 करोड़ रुपए इस साल यानी कि चालू वित्त वर्ष में व्यवस्था की गई है और अगले वित्त वर्ष में एमएसपी के जरिए किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में सरकार पहुंचाएगी। ऑर्गेनिक खेती पर सरकार जोर देने वाली है, प्राकृतिक खेती की जाएगी, किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी, यानी कि जो बही खाते किसानों के लिए भी है, जमीन का जो सारा रिकॉर्ड है वो भी डिजिटल किया जाएगा, सिंचाई और पेयजल सुविधाएं बढ़ाने पर भी सरकार का जोर रहेगा अगले वित्त वर्ष में। रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने पर सरकार जोर देगी और खास तौर पर गंगा के किनारे के जो 5 किलोमीटर चौड़ा गलियारा है वहां पर इन तमाम चीजों पर जोर रहेगा। यहां पर तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने पर भी जोर देने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के जो चौड़ा इलाका है वहां पर रासायनिक खेती से बचने की कोशिश होगी, प्राकृतिक खेती की जाएगी। किसानों की आय वृद्धि के लिए पीपीपी मोड पर योजनाएं तैयार की जाएंगी और उससे किसानों को लाभ मिलेगा। कृषि क्षेत्र को नाबार्ड से फंडिंग भी मिलेगी। इधर कैपिटल मार्केट के चेयरमैन बीके सबरवाल ने बजट को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। सर, बजट इस बार पेश हुआ है, लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी हर सेक्टर के लिए, खासतौर पर हेल्थ सेक्टर की बात करें या फिर सिविल एविएशन की बात करें, एमएसएमई की बात करें, ऑल ओवर इस बजट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बजट अगर मैं ये कहूँ कि खराब बजट नहीं है तो एक कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। बजट में फैसिलिटीज कई सेक्टर के लिए आई। हम कैपिटल मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, शेयर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ऐसा लग रहा था कि शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। गिफ्ट सिटीज को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज दी गई हैं, ऐसा पूरी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज गिफ्ट सिटी में आ पाएंगी। भारत के बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते थे वो अब यही हिंदुस्तान में, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी यहाँ सेट अप हो जाएगी। क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी को लीगल किया जा रहा है। ऐसा भी आया कि रिजर्व बैंक अपनी डिजिटल करेंसी इशू करेगा, तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है कि उसके रूल्स वगैरह बाद में आएंगे, पर डिजिटल करेंसी को लीगलाइज कर देना ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है। सर, इससे फायदा क्या होगा? अगर आमतौर पर बात करें, जो डिजिटल करेंसी को भी बढ़ावा मिलेगा, इसके आम लोगों को इससे क्या फायदा होने वाला? देखिए, आज आपको पैसा घर में रखना पड़ता था, उसके पैसे की चोरी होने के चांस या फिल्ट्रेशन होने के चांस आपको, आज डिजिटल करेंसी होने से, क्योंकि हर चीज आज डिजिटल ही हो रही है, हर चीज आज वर्चुअली हो रही है, भारत डिजिटल करेंसी में पीछे चल रहा था और आज सरकार ने डिजिटल करेंसी को अगर लीगलाइज कर दिया तो इसका अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो पूरी देश पर पड़ेगा। अच्छा, अगर हम बात करें सर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर को इस बार इस बजट से क्या कुछ मिला है?
देखिए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म नहीं आया, परंतु कुछ पाबंदियां लग जाएंगी जो उम्मीद थी, वो भी किसी तरह की पाबंदी इस बजट में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नहीं रही है। तीन जो बिल विड्रॉ हुए थे उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई बड़ी रिस्ट्रिक्शन ना आ जाए, जो नहीं आई। ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा ही दिया गया, चार या पांच बार फार्मर्स का नाम लिया गया कि फार्मर्स को, स्पेशली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब फार्मर्स को ओवरऑल बेनिफिट मिलेंगे। तो बिल्कुल बजट से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, और इस बार के बजट में हेल्थ सेक्टर की बात करें या एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, हर क्षेत्र में सरकार ने थोड़ा थोड़ा जो है उनको सौगातें दी हैं। नहीं, लेकिन सवाल ये कि आखिर इनकम टैक्स पर सबकी नज़रें थी, इनकम टैक्स में जो है कोई राहत सरकार ने इस बार भी आम आदमी को नहीं दी है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और बजट को लेकर हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी जी इस समय हमारे साथ न्यूज इंडिया पर मौजूद हैं। भारत सरकार ने आम बजट प्रस्तुत किया है सदन में, किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी एमएसपी के तहत की जाएगी और उनकी आय को वृद्धि करने के लिए पीपीबी मोड में जो है योजना चलाई जाएगी। क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी इस कदम के, भारत सरकार के इस कदम को किस रूप में देखती है? सुरेश जोशी जी, आय वृद्धि करने के लिए पीपीपी मोड के जरिए योजना चलाई जाएगी और एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी, कैसा कदम देखते हैं इसे? देखिए, हम लोग जिस दिन से सरकार में आए हैं एक ही बात कह रहे हैं कि किसानों की आय को दुगुना करना है, किसानों की आर्थिकी पर सुधार लाना है और इस देश की खेती को बहुत अच्छा करना है। उसके लिए हर कदम वो उठाएंगे जो संभव है। इसी के तहत आज किसान की हितैषी जो सरकार है दिल्ली में बैठी हुई है, उस सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अब जो है कि एमएसपी पे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी की जाएगी, किसानों को उसकी मूल्य का पूरा पैसा दिया जाएगा, किसानों की आय को दुगुना करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। और इन प्रयासों के बाद जो हमारा एक सपना है भारत का कि जो एक कृषि प्रधान देश है, खेती हमारी बढ़ेगी, तो उसका एक बहुत बड़ा लाभ जो है इस देश को होगा। 16 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात भी इस बजट में कही गई है। लगातार बेरोजगारी के मसले पर विपक्ष जो है सरकार को घेरता रहा है, कैसा कदम मानते हैं इसे? देखिए, निश्चित तौर पर कोरोना काल के कारण पूरी दुनिया में अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो उसमें कमी आई है। तो आज सरकार ने जिस तरह से जिन जिन क्षेत्रों में, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के लिए एक अच्छी प्लानिंग की है, एक अच्छी शुरुआत की है, उससे उत्तराखंड के युवाओं को एक बड़ी मात्रा में रोजगार मिलेगा और वो अपने अपने काम पे लगेंगे। अब हमको सबसे बड़ी बात तो ये देखनी है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई है उससे हमको बहुत बड़ा लाभ होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी 5,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो हम निश्चित तौर पर हमेशा ही हम ये चाहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो या पूरा देश हो, हर व्यक्ति को जिसके पास घर नहीं है, ये हमारी सरकार का वादा है कि हर हम उस व्यक्ति को घर देना चाहते हैं जिसके पास घर नहीं है। वो जब से हम लोग सरकार में आए 7 वर्षों से निरंतर उस बजट में हर वर्ष हम बढ़ोतरी कर रहे हैं और हम उस लक्ष्य को मुझे लगता है कि 2-3-4 वर्ष के अंदर प्राप्त भी कर लेंगे। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी जी से। स्पष्ट रूप से भारत सरकार ने जो आम बजट प्रस्तुत किया है वो कहीं ना कहीं जन सरोकारों से जुड़ा हुआ है, जनता से जुड़ा हुआ है। जैसा कि जोशी जी बता रहे थे, बहुत सारे निर्णय जो हैं कृषि के क्षेत्र में लिए गए हैं, बहुत सारे निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में लिए गए हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन राहुल के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। और छात्र किस बेसब्री से इस बजट का इंतजार कर रहे थे और उनके लिए क्या खास है, देखिए। आज सदन में पारित हुए आम बजट को लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं निकल के सामने आ रही हैं युवाओं पर, और इसके साथ ही जो छात्र हैं उनको भी ध्यान में रखा गया है। बजट के तहत डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने की बात की गई है और इसके साथ ही 200 टीवी चैनलों के माध्यम से अब पठन पाठन का काम होगा। कोविड काल में करीब 1 दर्जन से अधिक चैनल थे, लेकिन अब इनका दायरा बढ़ाकर 200 कर दिया गया है। कुछ विद्यार्थी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि
सरकार के इस कदम को किस रूप में देखते हैं? क्या लगता है आपको कि ये 200 चैनल्स के माध्यम से अब पठन पाठन होगा, डिजिटल यूनिवर्सिटी भी सरकार खोलेगी? जैसे बजट से काफ़ी उम्मीदें होती हैं सभी तबकों को, और जिस तरह से 2-3 साल में कोविड-19 हुआ है जिसके कारण काफ़ी प्रभावित हुए हैं बच्चे, तो जिसके कारण जैसे सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया है ये ई विद्या के जो स्कीम है उसके माध्यम से 200 चैनलों को प्रसारित करेगी, तो एक अच्छा प्रयास है सरकार का और इसमें इसको और विस्तार देना चाहिए। और जहां लगता है जहां ग्रामीण इलाके होते हैं वहां तक सुविधाओं का अभाव है, अगर वहां तक सुविधाएं पहुंच जाती हैं तो काफ़ी खुशी होगी। और कुछ कनेक्टिविटी की भी समस्या आती है, क्या लगता है कि सब कुछ का लाभ मिल पाएगा? सर ये बहुत सही कहा आपने, तो शिक्षा का डिजिटलीकरण बहुत आज आधुनिक समय की डिमांड भी है क्योंकि टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम जी रहे हैं, लेकिन इसका धरातल भी हमको देखना पड़ता है क्योंकि जो पूरा देश है हमारा ग्रामीण क्षेत्र भी, इस देश का बहुत सारा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर अभी कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी समस्या है। मैं खुद उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का रहने वाला हूँ, मौरी ब्लॉक का, जहाँ एक बहुत बड़ा हिस्सा करीब 22 से 23 गाँव ऐसे जहाँ पर अभी तक कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी समस्या है। एक BSNL काम करता है वो भी बहुत बार कॉल करने के बाद ही कनेक्टिविटी हो पाती है, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में इसका डिजिटलीकरण, ये मतलब जो ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये 200 चैनलों को फ्री करना एक अच्छा पहल है। डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलना भी एक बहुत अच्छा पहल है, लेकिन दूसरा इस डिजिटल को बेहतर करने के लिए इंटरनेट सुविधाओं को भी ग्रामीण स्तर पर अच्छा करना चाहिए। सरकार को बजट में ये भी कहना चाहिए था कि जो सीमांत क्षेत्र हैं या फिर जो ऐसे क्षेत्र हैं पर्वतीय क्षेत्र जहां पर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, तो हम डिजिटल यूनिवर्सिटी के साथ साथ डिजिटल पढ़ाई पठन पाठन के साथ साथ हम कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा देंगे। जी बिल्कुल सर, ये बात अहम, ये बहुत ही बड़ा अहम मुद्दा है कि डिजिटलीकरण तभी संभव है अगर धरातल पर कनेक्टिविटी की सुविधा है। दूसरा अभी जो शिक्षा पर जैसे कहा कि 16 लाख रोजगार देंगे, चूँकि हायर एजुकेशन पर उतना बेहतर जितना सरकार को बजट में बातचीत करनी चाहिए तो उतना नहीं करना, चूँकि हमारे देश में जैसे अभी कोविड-19 हुआ, कोविड-19 के कारण शिक्षा पर क्या असर पड़ा, लोगों के मानसिक स्तर पर क्या पर असर पड़ा, रिसर्च की थोड़ा कमी है, तो हायर एजुकेशन में रिसर्च के फील्ड में थोड़ा सरकार को बजट आवंटित करना चाहिए ताकि रिसर्च के लिए या जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उनका जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका देश में पॉलिसी निर्माण में उनकी पढ़ाई का क्या महत्व होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई एग्जाम पास करना नंबर लाने इसी तक सीमित रह गया है, तो शिक्षा में इस पर भी काम करना चाहिए कि स्किल के माध्यम से उस शिक्षा को किस तरीके से स्किल से जोड़ा जाए ताकि राष्ट्र निर्माण में उसका भी योगदान हो सके। तो ये थे उत्तराखंड के युवा और जो छात्र हैं, और लगातार जो है सरकार का जो आम बजट प्रस्तुत हुआ है सदन में इसको लेकर इन्होंने प्रतिक्रिया दी। बहुत सारे मसले हैं जिनको लेकर सरकार को इन युवाओं ने, इन छात्रों ने सुझाव भी दिए हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन राहुल के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आज देश का बजट पेश किया। 2022 के इस बजट को लेकर जयपुर में निम्स यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर फाइनेंस डॉक्टर पल्लवी से खास बातचीत के हमारे संवाददाता दीपक चावला ने। केंद्र का बजट आ चुका है और हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। हमारे साथ इस बजट पर बातचीत करने के लिए डायरेक्टर फाइनेंस निम्स यूनिवर्सिटी की पल्लवी जी मैडम है। मैडम, किस तरह का ये बजट रहा और किस तरह से उम्मीद थी और कैसा ये बजट रहा? देखिए, ये एक बहुत सिंपल बजट है और इस बजट में ज़्यादातर कुछ दिया नहीं है। आई थिंक ओवर इम्प्लीमेंटेशन लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा, पर एक ये बहुत ही बेसिक सिंपल बजट है। इसमें कोई डायरेक्ट टैक्सेस कम नहीं किए गए, तो ज़्यादातर आम जनता का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है मैं ये बोलूँगी। और ओवरऑल कुछ चीज़ें, कुछ स्कीम में जैसे नारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति और मिशन पोषण में थोड़ा डेवलपमेंट होगा। आंगनबाड़ियों को सपोर्ट करेंगे, हैंड होल्डिंग करेंगे, उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा। ओवरऑल जैसे कुछ जगह जहाँ कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ के लिए टैक्स कट के उसमें फ़ायदा होगा, जेम्स एंड ज्वेलरी का जो बिज़नेस है, इमिटेशन ज्वेलरी का जो बिज़नेस है उसको थोड़ा बूस्ट मिलेगा, ठीक है। पर ओवरऑल जैसे एक जो बात जो दिखनी चाहिए थी जिस बजट में जो नहीं है, ये है कि देखिए किसी भी कंट्री का जब फिस्कल डेफिसिट 3 से ऊपर हो जाता है तो इंटरनेशनल एजेंसीज और इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट बहुत बरी करते हैं, चिंताजनक बात है। आज हमारे 3 साल से लगभग हमारा फिस्कल डेफिसिट 3 से ऊपर है और इस बार भी 6.4 बोला गया है। जब फिस्कल डेफिसिट ऊपर होता है तो सरकार का मतलब सरकार पैसा ज़्यादा खर्च कर रही है, सरकार के पास इनकमिंग से ज़्यादा।
आज के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये तो बताया कि 1.47 लाख करोड़ आए हैं जीएसटी का, विच इज़ हाईएस्ट क्लास, सबसे ज़्यादा हुआ है, पर ये नहीं बताया कि गवर्नमेंट अपने खर्चे कंट्रोल कैसे करेगी, उनको स्पेंडिंग कम कैसे करेगी या पैसा जनरेट कैसे करेगी। अगर जीएसटी से पैसा जनरेट करेगी तो क्या मतलब है, मतलब उद्योग से पैसा आएगा या हम आर वी लुकिंग फॉर अ हायर टैक्सेशन रिजीम कॉर्पोरेट्स। मैडम ऐसी उम्मीद की जा रही थी, लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो महिला, आप खुद महिला है, तो ऐसा कह रहे थे रसोई का बजट बढ़ चुका है, उसी उम्मीद थी, लेकिन वैसा कुछ रहा नहीं। उम्मीद इस पर कुछ उम्मीद थी कि इसमें कुछ महंगाई को लेकर भी कुछ कहा जाए या हो, लेकिन कुछ हुआ नहीं। देखिए इस बजट से महंगाई कम तो नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी दैट इज़ अनसर्टन, पर कम नहीं होगी। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे कि बजट से आपकी महंगाई, आपके घर वाले हाउस होल्ड इनकम बेसिकली। इधर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने केंद्रीय बजट को नीरस बताया है। उन्होंने कहा कि किसानों और कामकाजी लोगों के लिए बजट में कोई राहत नहीं है। करोड़ की सेटलमेंट करती, कई किन्ने लाख करोड़ की जो लोन वेवर करता इंडस्ट्री नो, खेती बाड़ी जेडे एन मास गरीब है, किसान काम कर रहे उन्होंने वास्ते बजट कोई इन्ना दिता नहीं उन्होंने। लुधियाना में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हमारे संवाददाता अरविंदर सिंह से खास बातचीत की। उन्होंने न्यूज इंडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी पंजाब में चुनाव लड़ रही है, जिसे लेकर बीजेपी को कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। मैं 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसी के तहत पंजाब में भी राजनीति बहुत उफार पर है। 20 फरवरी को यहाँ वोटिंग पड़नी है, एक ही चरण में पूरी वोटिंग होनी है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर आगू और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी है। किस तरह चुनाव को आप देख रहे हो, क्योंकि पहली बार अकाली दल से अलग होकर आप चुनाव लड़ रहे हो? हम अकाली दल से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं, और आपको लोगों के उत्साह से पता चल रहा है कि सब लोग बहुत खुश हैं इस बात से, क्योंकि सब लोग चाहते थे कि किसी तरीके से अकाली दल से निवृत्त हो। बीजेपी के खिलाफ किसी के मन में कोई बात नहीं है, सिर्फ साथ उनका होता था, इस चक्कर में हमारी वोटें शिफ्ट हो जाती थी। पर अभी जो है पार्टी के और पंजाब प्रदेश के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, लोगों के मन में बहुत उत्साह है, और सब लोग मोदी जी के हक में चुनाव लड़ना और लड़वाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि देश में अगर किसी व्यक्ति ने काम किया है तो वो मोदी जी ने किया है, और उन्हीं के काम के चलते भारतीय जनता पार्टी को बहुत फ़ायदा भी मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी। कांग्रेस ये कह रही है कि कहीं ना कहीं किसानों के साथ जो आंदोलन चला था उस दिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो लोग मरे हैं वहाँ पे, आज तक जो हमारे प्रधानमंत्री उनको अफसोस नहीं किया, ये कोई बयान नहीं दिया, उनके घर जाने की बहुत दूर की बात है। देखिए जिन्होंने इस तरीके की हरकतें की हैं, जो लोग इस तरीके के लिए जिम्मेवार हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो करना था वो कर चुके हैं, और उन्होंने सबकी मदद भी की है और सब किसानों के खाते में 6,000 रुपये भी भेजे हैं, जो आज तक किसी ने नहीं भेजे थे। हमारा बजट जो इनके टाइम में बजट था वो सिर्फ और सिर्फ 23,000 करोड़ था, आज की तारीख में किसानी का बजट 1,23,000 करोड़ है। MSP का प्राइस बढ़ाया गया है और जो खरीदारी है उसको बढ़ाया गया है, यूरिया से लेकर तमाम किसानों की दिक्कतों को हटाया गया है। कुछ आपके लीडर हैं जो वहाँ से हैं, छोड़ चुके हैं आपकी पार्टी को, और उन्होंने कहा है कहीं ना कहीं हम पार्टी में सब सही नहीं है, जो कुछ लीडर आपके, जिनको टिकट नहीं मिली वो एक अलग विषय है, लेकिन पार्टी के अंदर सब कुछ सही है और अधिक से अधिक लोग पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आप नंबर और संख्या देखिए उन लोगों की जिन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है और कमल के फूल पे चुनाव लड़ रहे हैं। कैप्टन साहब के साथ गठबंधन है, उसको आप किस तरह देख रहे हो? क्योंकि बहुत अच्छा गठबंधन है, रिजल्ट आपको 20 को दिख जाएगा। मेरा आखिरी सवाल है, एक जो किसान समाज मोर्चा ने अपनी पार्टी बनाई है, कितना वो इफेक्टेड है? लोकतंत्र है जी, सबको अधिकार है अपनी मर्जी से अपनी पार्टी बनाने का, उसमें मैं किसी को रोक थोड़ा ही सकती हूँ। पंजाब में कई मंत्री, उन्होंने कहा पंजाब में भाजपा की सरकार बनेगी और हर इंसान को या हर पार्टी को अधिकार है कि वो अपना नामिनेशन करा के चुनाव लड़ सकता है या अपनी नई पार्टी बना सकता है। अब पंजाब में पंजाब का वोटर किस रुख बैठता है ये तो 20 के बाद ही पता लगेगा, पर हर पार्टी जीतने का हुंगार भर रही है। लुधियाना से न्यूज़। और अभी रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।